हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है 9th ऑफ जून से लेके 15th ऑफ जून तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Knight of Wands, Page of Cups, and Nine of Wands. Okay. तो हमारे पास है Four of Pentacles. Four of Pentacles के साथ ये वक्त है कुछ realize करने का, क्योंकि आप जिस person से deal कर रहे हैं उसे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी वजह से उनके साथ इस रिलेशनशिप में, और ये वजह प्यार से बढ़कर कुछ है। मतलब इस पर्सन को लगता है कि आप किसी फाइनेंशियल एडवांटेज के लिए उनके साथ हैं, या आप उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन दरअसल फ्यूचर को लेके थोड़ा सा डरा हुआ है। ओके, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, इस पर्सन को लगता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, वो पूरे नहीं कर पाएंगे, या आप बहुत कुछ चाहते हैं उनसे, आप उनसे किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प चाहते हैं या उम्मीद रखते हैं। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है, आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल है। ओके, ये चाहेंगे हर चीज़ को एक बॉर्डर लाइन के अंदर रखना। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाहता है एक रिलेशनशिप में रहना, पर कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता, और ये बहुत अजीब चीज़ है। ये पर्सन उन लोगों में से है जो नहीं चाहेगा कि आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट करें। मतलब ये पर्सन आपका लव चाहता है, इस रिलेशनशिप में रहना चाहता है, और चाहे भी क्यों ना, उन्हें सब कुछ मिल रहा है, पर दूसरी तरफ उम्मीद यह है कि उन्हें अपनी तरफ से कुछ ना करना पड़े। एंड आप अपनी लाइफ की परेशानियों को खुद हैंडल करें, अकेले हैंडल करें, आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को खुद हैंडल करें, आपको जो भी चाहिए वो आप खुद अफोर्ड करें या खुद उस चीज़ को हासिल करें, उनसे आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो। दरअसल इस पर्सन को डर लग रहा है अपने आगे के फ्यूचर से। उन्हें लग रहा है कि अगर उन्होंने कमिटमेंट की तो इसका मतलब होगा बहुत सारी रिस्पांसिबिलिटी, इसका मतलब होगा एक्सपेक्टेशन, जो कि उन्हें पता है कि गलत नहीं है। एक रिलेशनशिप में जब दो लोग होते हैं तो ये इस हिसाब से नहीं चलता कि पार्टनरशिप नहीं होती, वो एक रिलेशनशिप होता है। और ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आने के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन उन लोगों में से है जो हमेशा से ही प्रैक्टिकली सोचता रहा है, और हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इन्हें ये सिखाया गया है कि इन्हें दूसरों से बच के रहना चाहिए। कोई भी इनसे सच्चा प्यार नहीं करता, या कोई भी इस लायक नहीं है कि वो किसी के लिए एक एक्स्ट्रा माइल चलें या कुछ स्पेशल करें। कोई भी इस दुनिया में ट्रस्ट के लायक नहीं है, एंड उन्हें हमेशा अपने पैसों को लेके, अपनी सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर कोई बस यही चाहता है। ये इनका पर्सपेक्टिव है, ये इन्हें समझाया गया है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन बहुत सारे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स में रह चुका है पास्ट में, और इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने ये कमिटमेंट की तो शायद ये अपनी फ्रीडम खो देंगे, शायद ये वो सब कुछ खो देंगे जो ये हमेशा से चाहते थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कमिटमेंट और एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी। तो इस पर्सन को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें इन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती हैं। और फिर दूसरी तरफ नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ सोच भी नहीं पा रहा। पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो उन्हें लेके सीरियस है, और जिसे लेकर वो सीरियस है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहेंगे। तो एक तरफ सेटल डाउन होना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, दूसरी तरफ डर है अपने स्पेस को खोने का, अपनी आज़ादी को खोने का। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होगा अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दे दी। शेयर करना इन्हें आता नहीं, इन्हें लगता है कि हर कोई किसी ना किसी एडवांटेज के लिए है, और एक बार उन्होंने अगर कुछ शेयर किया तो वो पर्सन उनका एडवांटेज लेके उन्हें भूल जाएगा।
काफी अजीब तरीके की सिचुएशन नजर आ रही है मुझे. बहुत सारे पेंटिकल है, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, कोई अर्थ साइन हो सकता है. ओके, एंड द पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी है यहाँ पे. पेज ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि इन्हें फाइनली वो पर्सन मिल तो गया है जिसके साथ ये अपना जीवन बिताना चाहेंगे. लॉयल्टी और लव की कोई कमी नहीं है आपकी तरफ से, वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं, पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है या अपने ऊपर वर्क करने को ये पर्सन तैयार नहीं है, और ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल साबित होगा इस रिलेशनशिप में इस वीक में. नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप कुछ भी कहेंगे, ये पर्सन सिर्फ आपको एक्सक्यूजेस देगा, हो सकता है बिल्कुल साइलेंट हो जाए, आपसे दूर चला जाए, पर अपने ऊपर वर्क करने को तैयार नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है इस रिलेशनशिप में इस पॉइंट पे. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ऑफ कोर्स ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग, ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 के फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. King of Wands, Eight of Wands, Ten of Cups, Knight of Swords, and the Chariot. Okay. तो यहाँ पे है King of Wands. King of Wands के साथ ये person Knight of Wands से change होना चाहता है किंग ऑफ वॉन्ड्स में, एंड चाहते हैं कि अब वो वाकई में एक फैमिली पर्सन बन जाए. लगता है शादी का इरादा है. ये पर्सन चाहता है कि उनका जो अब डिसीजन है वो रियलिटी में बदले. टेन ऑफ कप्स के साथ क्लियरली मैं देख रही हूँ पर्सन एक फैमिली चाहता है. यहाँ पे हमारे पास ये स्वीट कपल है और फिर हमारे पास ये किड्स है, तो ये पर्सन बहुत दूर की सोच रहा है. एंड इस पर्सन को पता है कि इन्हें आपका साथ चाहिए, पर फिर भी ये पर्सन इस वक्त किसी न किसी तरीके से ये श्योर करना चाहेगा कि उन्हें कुछ सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े, क्योंकि नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे है. तो क्लियरली ये पर्सन चाहेगा कि हर चीज उनके अकॉर्डिंग हो जाए और जितना ज्यादा हो सके उन्हें कम चेंजेस लाने पड़े अपने लाइफ में. एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक यहाँ पे आप एक इनका एक दूसरा ही साइड देखेंगे. ओके, आप देखेंगे कि किस तरीके से ये पर्सन किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाता, कितनी इनसिक्योरिटी है, इतने क्लोज आकर भी किस तरीके से ये पर्सन ओपन अप नहीं हो पा रहा, अपनी फीलिंग्स को चेंज नहीं कर पा रहा, अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा, अपनी इस नेगेटिव सोच को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा कि दुनिया में कोई भी ट्रस्टेबल नहीं है या किसी को भी वो खुलकर प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा उन्हें किसी ना किसी तरीके का धोखा ही मिलेगा, हमेशा कोई ना कोई उनका कोई ना कोई फायदा ही उठाएगा. इस तरह की चीज उनके दिमाग में फिलहाल बैठी हुई है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग इम्पेशेंट हो सकते हैं और इनका बिहेवियर किसी को भी इम्पेशेंट बना सकता है, तो इस वक्त आपको बहुत अजीब लगेगा. ओके, ये पर्सन एक तरफ आपको प्यार जताएगा, ऐसे दिखाएगा जैसे कि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं, चाहते भी हैं, पर फिर दूसरी तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा श्योर नहीं है. अपनी जो भी लाइफ में चेंजेस आने चाहिए उनको लेकर ये पर्सन बिल्कुल भी सीरियस नहीं है. एंड आपको समझ नहीं आएगा आप करें क्या. आप ऑलरेडी इस चैरियट पे हैं, ये चैरियट जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा, पर इस चैरियट पे होने के बावजूद भी आप खड़े रह जाएंगे एक जगह पे. आपको समझ नहीं आएगा कि आप आगे करें क्या. क्या इस पर्सन का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करने लायक है भी. क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ रह सकते हैं रिलेशनशिप में जो बातें रोमांटिक करता है, प्यार भी है, चाहता भी है आपको, सब चीजें ठीक है, मगर फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहता, हर चीज आप पे डिपेंड करेगी. क्या आप एक इस तरीके के डिसबैलेंस्ड रिलेशनशिप में, अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप में वर्क कर पाएंगे. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. बुक्स,
यू कनेक्ट टू योर लाइफ पर्पस थ्रू योर इन्वॉल्वमेंट विद बुक्स. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो सकते हैं किसी बुक के थ्रू. हो सकता है कि कोई अच्छी बुक आपको गाइडेंस दे, इंटरनेट पे कोई कोट आपको गाइडेंस दे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. किसी तरीके से कोई मैसेज मिले आपको यूनिवर्स का. एंड यहाँ पे ज़रूरी है कि आप समझें कि आपको क्या चाहिए. ओके, प्रायोरिटीज डिसाइड करना ज़रूरी है. और किसी तरीके की कोई बुक आपकी इसमें मदद कर सकती है, कोई स्टोरी जो आपने कभी पहले पढ़ी हो या कुछ भी ऐसा जो आपने पहले कभी देखा हो, सुना हो. बुक का मतलब ज़रूरी नहीं कि लिटरल बुक ही हो, कहीं से भी जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है आपको शायद किसी बात का एहसास हो, वो चीज़ें पढ़ के आपको कुछ आइडिया मिले कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए. ओके, ऐसा कुछ हो सकता है इस वीक में. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.